高考完就大学了嘛，对，就是高考完你可以随便染的话，因为大学才可以。Comfortable 呢？Comfortable 没事。सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है ना चाइनीज़ की, ये अपने किसी इस तरह के छोटे ब्रांड्स को सपोर्ट करते हैं और फिर उस ब्रांड को बड़ा कर लेते हैं। गाइस ये है जी वांदा प्लाजा, जो चाइना के हर सिटी में तकरीबन बेतहाशा होते हैं। दो ये इस तरह के पुराने मकान होते थे, इन्होंने गिरा दिए, ये सिटी सेंटर बन गया ना। आप देखो इधर, आप दिखाएं जरा। कड़वा पसंद नहीं है, मीठा पसंद है, वो चाहे कुछ भी हो। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग है जी, मैं थोड़ा कटिंग करवाना चाह रहा, बाल थोड़े ज़्यादा बड़े हो गए हैं, तो इसलिए मैं कटिंग के लिए जा रहा हूँ। और सोचा साथ में आप लोगों को भी दिखा दूँ के चाइना में सैलून कैसे होते हैं, क्या होता है हिसाब किताब, किस तरह ये कटिंग करते हैं, कितने पैसे लेते हैं, दिखते किस तरह के हैं ओवरऑल सैलून। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर किया करें। आप लोग वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब भी नहीं करते, और दूसरा आप कॉमेंट भी नहीं करते, अपनी राय भी नहीं देते कि आप लोग क्या देखना चाहते। आज मौसम वैसे अच्छा है, सारी रात बारिश हुई है, देखें ज़रा। अभी ये सारे ट्रीज खिलखिला उठे हैं क्योंकि पूरी रात बारिश होती रही है। अभी ये पानी खड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, लेट्स गो टू द सैलून, लेट्स गो। अभी मेरा है दोस्त चौधरी अब्दुल हनान, तो वो भी वेट कर रहा है, उसने भी साथ जाना है। वो सामने खड़ा है, वो सामने चौधरी साहब खड़े हैं, वो आई थिंक वो भी कोई व्लॉग वगैरह बना रहे हैं, तो उस हिसाब से वो भी अपनी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पे लगे हुए हैं। चौधरी साहब सलाम अलैकुम, की हाल है? आप भी व्लॉग बना रहे हैं, माशाल्लाह। हाँ चलें, लेट्स गो। मेरी बाइक उधर खड़ी है, मैं फिर बाइक लेता। चले आप अपनी बाइक लें, मेरी बाइक वो खड़ी है। गाइस सी यू देयर, Let's go. This is Chaudhry Abdul Hanan Sahab. तो गाइस अभी आपको मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं कि हम किस तरह, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आपने कटिंग करवानी है तो आपको चाइनीज़ में कहते हैं यूएसजीएस, और इंग्लिश में हम कहेंगे अपॉइंटमेंट, कि अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है सलून से, चाहे वो 24 आवर फ्री भी हो फिर भी आपको टाइम लेना पड़ता है। तो टाइम वैसे हमने दिया था 12 बजे का, मसला ये है कि हम खुद ही 12 बजे उठे हैं, काम चल जाएगा। उसने खुद मैसेज किया हुआ है कि आ जाओ, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। गाइस ये है वो यूनिवर्सिटी जहाँ पे मेरा पहला एडमिशन हुआ था, चाइना में एंट्री ये इन बुज़ुर्गों ने मुझे दी थी, और ये अभी रिसेंट चौधरी साहब की यूनिवर्सिटी है। आप ब्रो ये पीछे किसी कुड़ी ना लगा, तो बहुत खुश है, अल्लाह इसको खुश रखे। इधर खुशी चेंज हो जाए, इजीली खुशी चेंज कर सकते हैं आप। गाइस हम पहुंच चुके हैं, अभी आपको दिखाता हूं। हमने जाना है इस बिल्डिंग में, ये 23rd फ्लोर है, यहां पे इस बिल्डिंग में जाके वो सलून है, वहां से कटिंग करवानी है। आप इधर का माहौल चेक करें, वैसे आज मौसम बहुत अच्छा है जिसकी वजह से मूड भी बहुत अच्छा जा रहा है। इधर बारिश वैसे होती रहती है, ऑफन बारिश। चल साहब रात बारिश ने आपको डराया था? ब्रो आप अगर उर्दू बोलते तो मेरे जो ऑडियंस है, उर्दू बोली है ब्रो। नहीं आपने बीच में पंजाबी गाड़ दी है। तो मैं अपने लोग भी बोली थी। नहीं सीरियसली आपने बीच में कहा ब्रो साड़ी ते विंडो ही इतनी बड़ी है। तो मतलब हमारी विंडो ही बहुत बड़ी है ना, वो सारा मतलब एक तो शोर बहुत ज्यादा, दूसरा वो रात वो क्या उसको बोलते हैं बिजली बड़ी, थंडरस्टॉर्म ब्रो। नहीं सो नहीं हो, ये चाहे मेरी विंडो छोटी है
विंडो की बात कर रहा हूँ तो लेकिन डर फिर भी लगता है ब्रो, जो बिजली कड़क रही थी ना और फिर बंदा अकेला सो रहा हो बंदे को कोई लाइक दिलासा देने वाला भी ना हो तो फिर अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। गाइस ये है जी बांदा प्लाजा, जो चाइना के हर सिटी में तकरीबन बेतहाशा होते हैं, दो तीन तो लाजमी ही होते हैं। पहले आपने मुझे कहा था मैं आपको कॉफी पिलाऊंगा ब्रो, अभी हमने मैं अभी बता रहा हूँ ना, अभी हमने नाश्ता नहीं किया, वो अभी चलते सबसे पहले स्टारबक्स। हाँ जी, वहाँ से कॉफी पकड़ते हैं। हाँ जी, तो सही होगा कि हमारी आंखें भी खुल जाएंगी, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे। चलो ब्रो, मेरे साथ जो मसला हुआ है ना रात, लाइक लगता है कोको के बाल अंदर चले गए हैं मेरी आंखों में। अब अभी आपको नजर आ रहा है कि मेरी आंखें थोड़ी बड़ी है, ओ मोटी हुई है, स्वालों हुई और रेड भी हुई है। बस ये पूरी रात मैं खुरकता रहा हूँ मेरे पास वो पड़ी है मेडिसिन, मैं आपको घर जाके देता हूँ। ब्रो ये आपने लास्ट टाइम मेरे घोटे के लिए भी कहा था लेकिन वो नहीं पड़ी थी, खत्म हो गई थी बस वो, फिर मैं दर्द में मैंने पूरी रात गुजारी और अभी आपके मैं किसी बात पे भी यकीन नहीं कर सकता मैं तो चाहता हूँ कोई चाइनीज दोस्त मिल जाते ना तो हम उनके साथ गपशप करते और भाइयों को भी बताते, इनको लगता है कि हमारे पास कोई चाइनीज नहीं है, कोई हमें जानता नहीं है। गाइस यहाँ पे ये स्टॉल लगे हुए हैं, ये वो ब्रांड है जो चाइनीज टी मिल्क टी बनाते हैं उसका एक फेमस ब्रांड है, ये सारे इधर लगे हुए हैं। हेई टी ये सस्ती है और ये उससे भी ज़्यादा सस्ती है, और ये चौधरी साहब मुझे क्या आज पिला रहे हैं क्योंकि मैं तो सिर्फ पीने वालों में से हूँ आज के दिन नहीं ब्रो अभी आपको पिलाते हैं, क्या पीना चाहते हो आप ब्रो? आई लाइक लाठी है, अच्छा लाठी है, लेकिन अभी आप क्योंकि होस्ट हैं तो आप कुछ भी पिला दें, चाहे हॉट वाटर मैं एतराज़ नहीं करूँगा। देखें जी ये सारे आए हुए हैं फैमिलीज और कुछ इधर सिंगल लोग भी बैठे हैं। कैफे लाथिए कैपेचिनो, आई वुड लाइक लाथिए ब्रो। रोदा बिगना रोदा वो आते हैं और चुंबे 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 रोदा ठीक है ना। तो可以的，一包汤吗？还是可以给我汤给这个大杯加糖？这个是没有糖的，就加，那就好的。साहब के साथ कोई लगता है वीआईपी है या किसी के किसी ने गिफ्ट किया ब्रो? ये आपको बताया आपका भाई वीआईपी है तो गिफ्ट आते रहते हैं माशाल्लाह। आई वाशा लाइक एक जब आप यंग होते हैं आप हैंडसम होते हैं चाइना में आपको इस तरह के गिफ्ट मिलते रहते हैं, ताकि आप लोग खुद समझदार हैं ये इस तरह के गिफ्ट कहाँ से आते हैं। जस्ट जोकिंग जस्ट जोकिंग ब्रो, ये जो हमें सगा रही है इसको लग रहा है कि हम पहली दफा स्टार पी रहे हैं। ये इनका मतलब वो होता है ना लाइक लोग ऐसे आते हैं ना थोड़े हाँ समझो रहे हो, हम कहना नहीं चाह रहा वो चीज़ को, जो बातें उनको नहीं पता होता। तो ये एक्चुअली आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये हर बंदे को इनका फर्ज है, फर्ज है मतलब डेली आता है लोगों ने एक्सप्लेन करना तो किसी देर जो ये बात सच है कि और अच्छी भी है, आई थिंक ये हर कंट्री में इस तरह का होना चाहिए, होना चाहिए। और ये सिर्फ स्टार बस पे नहीं, इधर के जो मोस्टली रेस्टोरेंट्स हैं हर पे ये जो वेटरेस होती है या वेटर होता है ये सब इसी तरह की सर्विस देते हैं। और आपको लग रहा होता है यार इसको लग रहा है कि मैं पहली दफ़ा आया हूँ, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये इनकी खुद की सर्विस होती है, ये खुद इनको सिखाया जाता है कि इसी तरह आपने सर्विस देनी है, चाहे वो कस्टमर एक एक छोटी सी चीज़ भी लेने आया हुआ है। You need to guide him very well. Bro,
अभी हम खड़े होके पी लेते हैं क्योंकि हम खड़े हो गए। हाँ खड़े हो गए। मेरी कौन सी है? नाथी है। नाथी ये वाली छोटे वाली का। ओके ब्रो, इधर से आपने चीनी का एक पैकेट उठाया। मैंने नहीं पीनी, क्या पसीना में नहीं जरूरत है। कड़वा पसंद नहीं है, मीठा पसंद है, वो चाहे कुछ भी हो। हमारा ये सीन होता है कि भाई टॉपी लेके बाहर आ जाओ, अंदर नहीं सुकून आता। मतलब यहाँ पे बाहर खड़े होकर बैठ कर आप टॉपी एंजॉय करें उसका अलग ही मजा। ब्रो ये काफी तो दिल बनाया हुआ है। ब्रो ये दिल बना हुआ है लेकिन अभी मैं दो सेकंड में इस चाइनीज दिल को पास पास कर क्योंकि इसमें हमने डालना है मीठा मीठा। ज्यादा ना डाल वो देखो जी टूट गया दिल टूटे अकड़क कर के। एनीवे ब्रो थैंक यू सो मच ये कॉफी के लिए। अच्छा मेरा बड़े लंबे अरसे से दिल कर रहा था, मैंने कल ही पिया। ये बहुत ही अचानक से लग रहा है कि मैं किसी चाइनीज के साथ खड़ा हो गया क्योंकि भाई फर फर चाइनीज बोल रहे हैं और मेरी चाइनीज बिल्कुल समझ आ रही है। आप ये नहीं कहना कि मुझे समझ नहीं आ रही। छाजी जो इन्होंने बनाई हुई है ना ये सामने आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है ना चाइनीज की, ये अपने किसी इस तरह के छोटे ब्रांड्स को सपोर्ट करते हैं और फिर उस ब्रांड को बड़ा कर लेते हैं। अभी ये ब्रांड विद इन टू ईयर्स आई थिंक। यस टू ईयर्स, ये कोविड के बाद आया था। तो ये देखें कि कोविड के बाद में आने वाला ये ब्रांड अभी इसी एक छोटा सा सिटी है, इसी सिटी में आई थिंक इसकी होंगी 50 ब्रांचेज होंगी, ऑलमोस्ट 50 ब्रांचेज। कि इसी प्लेस पे भी आपको ये ब्रांड की 3-4 ब्रांचेज मिलेंगी। बिल्कुल इसके अंदर है, वो प्लाजे के अंदर एक बाहर है, एक दूसरी स्ट्रीट पर है। यार ये दे रियली अप्रिशिएट ब्रो, इन लोगों ने स्टारबक्स को क्यों इसका इनका जो है लखन कॉफी है। हाँ जी वो उसकी मिसाल ले लो। लखन कॉफी ने तो इसका स्टारबक्स का बिजनेस तबाह कर दिया है, फ्लॉप कर दिया। ये ब्रांड आपको हर जगह नजर आएगा। सो दिस इज द गुड थिंग। अभी हम अपनी कॉफी लेते हैं और चलते हैं ब्रो, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि फिर उसके पास टाइम ना हो और हम उधर बैठे रहें। Let's go guys, अभी हम आपको उधर ही मिलते हैं। तो guys, अभी हम 23rd फ्लोर पे पहुंच चुके हैं और ये यहाँ पे है। आप जरा ये माहौल देखें, इधर इर्द गिर्द सिर्फ अपार्टमेंट्स हैं ब्रो। बिल्कुल, ये मसाज सेंटर भी है ब्रो। हाँ ये मसाज सेंटर है। हाँ, मसाज सेंटर है। चाइनीज ये मसाज सेंटर है। हाँ। लाइक 99 आपने ये पैसे देखने हैं पैसे। तो पीछे जो मसाज कर रही है वो भी आ रही है। हाँ जी ये मसाज सेंटर में मसाज की बॉस है। हाँ। और ये इधर मोस्टली इसी तरह की है, वो सामने आई थिंक वो है होटल है। और इधर जो ये लिखा हुआ है मसाज हो ही रहा था कि मसाज हो रहा था। हो रहा था। हाँ जी आपने देख लिया। मैंने देख लिया, आप तो जनती हो गए। ये है जी सलून। हेलो यो पिंग एंसला दिमाग ये नहीं था उलिया वाला बा थेन थेन रंची जी थोपा। ये लाला हैं वो बुक ला वो लाला जो भेला वो लाओ ला सिन जा लाओ मा पुस नियन छिंग रन ला। ये इधर मसाज हो रहा है। तो गाइस ये है जी यहाँ पे ये छोटे छोटे से रूम बने हुए हैं यहाँ पे। इधर आई थिंक मेरी भी कटिंग होगी क्योंकि 23rd फ्लोर है। यहाँ से आप ऐसे इधर सामने देख लेना ये किस तरह की सीनरी है। इस तरह के पुराने मकान होते थे गिरा दिए हुए। सिटी सेंटर बन गया ना, आप देखो इधर आप दिखाएं जरा इधर जब इस साइड से अगर शुरू करें तो सिर्फ यही एक जगह यहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नहीं खड़ी हुई। और आने वाले साल में अगर आप 3-4 साल बाद देखोगे ना तो यहाँ पर भी ऐसी बिल्डिंग बनाने पे हैं। तो ये 6 महीने में हाँ, वो मेरी यहाँ पर डॉर्मेटरी है, वो सामने हमारी स्कूल की कैंटीन है। इस सिटी का जो मैंने हिसाब लगाया ना, पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद का माहौल है ना, लाइक कैसे कह दें इसको कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है इस्लामाबाद का, लेकिन नेचुरली इसी तरह से लेकिन अब भी कोई डर नहीं है। पक्के हो गए हैं। पक्के हो गए हैं, पक्के ब्रो। वो कहते हैं कि यार कटिंग कर दे, खुदा दा नाम है।
गाइस अभी हमें तकरीबन कुछ 40 मिनट हो गए हैं वेट करते, और वो अभी भी कटिंग कर रहा है। वो बोले कि कोई जल्दी कर ले, और यहाँ पे चौधरी साहब ने काउंटर संभाल लिया। हाँ भाई, कितों वाले रहने यार। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी गाना चला रहा हूँ, फारस शफी का फैलन। मिला है कि नहीं मिला? मिल गया। चलें आप प्ले करें और आप थोड़ा वेट करें। तो गाइस अभी चौधरी साहब को ले गए हैं, ये चौधरी साहब का हिसाब होने लगा है, और इसके बाद मेरी लगेगी बारी। गुड माँ। तो चाइनीज को इंग्लिश इतनी आती है, ये कह दिया ये भी खुश, और हम तो बहुत खुश हो जाते हैं। Because you know, like, bro, ये गाँव खाओ को उर्दू या चाइनीज में कौन सा एग्जाम कह सकते हैं? एंट्रेंस एग्जाम। गाँव खाओ वान जो大学了嘛？对，就是高考完你可以随便染的话，因为大学才可以。ये bro जिधर इधर ने high school ना मतलब जिधर अपना college या हाँ जी पाकिस्तान में college होता है secondary school हाँ जी हाँ जी FSC था हाँ जी वो भी तुसी नहीं या fashion कर सकते, tattoo नहीं बना सकते, ये color नहीं कर सकते अपने hairs को हाँ जी कोई ऐसा fashion नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको जो यूनिफॉर्म होता है कॉलेज का वही, लेकिन उसके बाद आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो जाते हो। हाँ जी। फिर आप जो भी करना चाहो मतलब कलर करना है, टैटू बनवाने हैं, जो मर्जी करना है वो आप करवा सकते हो। एक्चुअली जो हमारी बात हो रही थी, मैंने इसे क्योंकि ये खुद के बता रहा था, ये इनका सीजन होता है, ये अभी यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या स्कूल के सेकेंडरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल होता है जो, उसके बाद इनका वो होता है टेस्ट होता है, टेस्ट होने के बाद फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सारे स्टूडेंट्स इधर आते हैं कलर करवाना है, तो ज़्यादा सीज़न आ जाता है। तो अभी ये यही बता रहा था कि मैंने अभी वो सीज़न गुजारा है और बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन अभी वो सीज़न गुजर चुका है क्योंकि लास्ट 2-3 वीक से ये बहुत ज़्यादा बिजी था। गाइस अभी चौधरी साहब बिल्कुल रेडी हैं, कटिंग हो गई है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। खूबसूरत नहीं कहते, हैंडसम कहते हैं। मेरी नजरों में आप खूबसूरत ही है। तो अभी मेरी बारी है, चलो कैमरामैन अभी फोकस करता है यहाँ पे। लो जी अभी शहरी होने लगे मसाज, ऐसे आपके कपड़े गीले नहीं ना होने देते। जी जी अभी ये देखें, अभी आपको फुली तौर पर प्रोटोकॉल मिलता है सबसे पहले। इधर बाल कटवाने का ये बेस्ट पार्ट है। हाँ, मसाज होता है यहाँ पर, और ये अभी आपके ये करेगा, अभी ये होगी इधर। और बस मेरे साथ बोलते रहना, मैं सो ना जाऊँ। कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल, मजा आ रहा है। इसके बाल धोएंगे सबसे पहले, कटिंग करने से पहले ये वॉश कर। आपके बाल सॉफ्ट हो जाते हैं? सॉफ्ट हो जाते हैं और मतलब इजी टू कट। पाकिस्तान में वो साथ साथ शावर मारते रहते हैं। हाँ, ये इधर पहले वॉश करके बालों को सॉफ्ट कर लेते हैं, देन कट। Thank you.
ये अभी जेल लगा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि स्टाइल अभी मुकम्मल हो चुका है और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस तरह लग रहा है। जिस तरह का मैंने कहा था ऑलमोस्ट वैसा ही बनाया है। दिस इज द बेस्ट थिंग इन चाइना, आप जैसा इनको कहोगे ये वैसा ही आपको बना के देंगे। उसके लिए बेस्ट चीज ये है कि चाइनीज आनी चाहिए। हां क्योंकि आपने एक्सप्लेन करा है। हां बना देते हैं। हां स्वाई जो ये को तो इनडायरेक्टली साला बना रहा है हेयर ड्रेसर तू। गाइस अभी कटिंग हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह रेडी। अब वो पार्ट पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमने क्या करना होता है दुख देना। हाँ ये चौधरी साहब अभी पेमेंट करने लगे हैं। मैं पेमेंट कर देता हूँ फर्स्टली। क्या पावर नो है माफ़ है तो सीधा ही जाए इज़ फुका। अच्छा यार ये कटिंग अभी मैं आपको ज़्यादा साइन शुरू चाहिए हो लाइक 39 और तकरीबन 1550 पाकिस्तानी। Really? हाँ जी ये इस तरह पे करते हैं। हाँ। कोई कैश की जरूरत कोई गाइस अभी कटिंग हो गई है दिखा दिया है सलून में कितने में कटिंग होती है वो भी बता दिया है। ये नॉर्मली है अगर इससे भी सस्ता होता है लेकिन उसमें ये मसाज की सर्विस नहीं होती या आपका ये जो हेयर वॉश है ये भी नहीं होता लाइक इतने पैसों में यही इतना कुछ होता है और अगर आप इसमें महंगा भी होता है उसमें सर्विसेस बढ़ जाती हैं और इसमें VIP कार्ड भी होता है अगर VIP कार्ड ले लें तो ये कटिंग भी मज़ीद सस्ती हो सकती है। आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा आपको मेरी ये कटिंग किस तरह लगी और यहाँ पे जो सलून का ये सिस्टम है ये कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छे व्लॉग्स आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना है। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।